गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम रूफ ऑफ ए हाउस के घर के छत के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ के बारे में पढ़ेंगे। रूफ ऑफ ए हाउस यानी घर का छत। ए रूफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए हाउस। रूफ यानी छत जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है घर का। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स एंड वेदर। ये हमें सुरक्षित रखता है किससे? तो स्ट्रे एनिमल्स यानी आवारा जानवर से, जैसे कि हमारे मॉर्निंग में जो डॉग्स होते हैं उनको हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, आवारा कुत्ता कहते हैं, वैसे ही स्ट्रे एनिमल्स है यानी आवारा जानवर। और वेदर यानी बारिश, ये सबसे हमें सुरक्षित रखता है छत। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ, अलग अलग प्रकार के छत होते हैं, जिसमें पहला है फ्लैट रूफ। यानी फ्लैट मतलब क्या? समतल, एकदम प्लेन। Houses that are constructed in plains and in houses that are constructed in plains and in dry areas have flat roofs। मतलब वैसे घर जो बने हुए होते हैं समतल एरिया में, प्लेन एरिया में, जहाँ पर जमीन क्या होता है? समतल होता है। और वो एरिया क्या होता है? ड्राई होता है, यानी सूखा होता है। सूखा में सेंस क्या होगा कि वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होता है। वैसे जगह पे जो छत होता है घर का वो फ्लैट रूफ कहलाता होता है। अब हो गया। सेकेंड नंबर में हमारा हिली एरियाज और प्लेसेस वेयर इट रेन्स ए लॉट, हाउसेस हैव स्लैंटिंग और स्लोपिंग रूफ। मतलब कि वैसे घर जो पहाड़ वाले क्षेत्र में होते हैं या फिर जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का जो छत होता है वो स्लाइडिंग या फिर स्लोपिंग रूफ होता है, यानी ढलाव टाइप में होता है, ऐसे टाइप में होता है ना। दे अलाउ रेन वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन इजली। और वो क्या आसान कर देते हैं? तो बर्फ अगर गिर रहा है, तो ऐसे मान लीजिए छत है तो बर्फ अगर गिर रहा है तो आसानी से वो नीचे गिर जाएगा, या फिर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है तो बारिश जो है छत पर रुकेगा नहीं, जमा नहीं होगा, वो अपना स्लाइड करते जाएगा। तो वैसे एक क्षेत्र में जहाँ बारिश ज़्यादा हो और पहाड़ वाले क्षेत्र में, वहाँ पे स्लाइडिंग या स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं। फिर इन पोलर रीजन यानी ध्रुवीय इलाके में, यानी जहाँ ज़्यादा बर्फ होता है ना, पीपल्स लिव इन इग्लूज। लोग कहाँ रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इग्लू जो घर है वो कहाँ बनता है। एंड इग्लू हैज़ ए राउंड और आर्क रूफ। और इग्लू के पास कैसा होता है कि गोला या फिर चपाट के शेप में उसका छत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्कल हो गया और इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको मिटा देते हैं, तो ये हमारा आर्क शेप में हो गया। इसी शेप में हमारा जो होता है वो जो इग्लू होता है उसका छत होता है। इट इज़ जनरली इन द शेप ऑफ ए डोम, और ये आमतौर पर एक गुंबद के आकार की तरह होता है। फिर हमारा एक क्लीन होम यानी एक साफ घर। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग सिक। हम लोग को जो है अपना घर साफ रखना चाहिए, है ना, खुद को बीमार पड़ने से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हम बीमार ना पड़े, खुद को सुरक्षित रख पाए। हियर आर सम वेज टू कीप आवर हाउस क्लीन। कुछ तरीके दिए हुए हैं कैसे हम घर साफ करेंगे, साफ रखेंगे। तो क्लीन योर हाउस रेगुलरली, लगातार अपना घर साफ कीजिए। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, जो भी पूरा कचरा है उसको इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में फेंकिए। वॉश यूटेंसिल्स आफ्टर यूज टू अवॉइड फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। बर्तन को धोइए जब उसका आप यूज कर ले, इस्तेमाल कर ले, उसका बर्तन को धोइए ताकि फ्लाइज या मतलब मधुमक्खी और कॉकरोच जो है ये सब ना आवे। ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस, और पौधे को अपने घर के आसपास उगाइए। ये चैप्टर हमारा थ्री यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स फिल अप ब्लैंक्स हैं वो आपको लिंक पे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।